कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। संस्कारधानी जबलपुर से शुरू हो चुका है साहित्य का नया चैनल डायनेमिक संवाद टीवी। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाइए ताकि आप भी विश्व के साहित्य पटल पर उभर सके। आखिरी में केवल इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। आप सभी को नमन बंदन अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और मैं चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। स्वागत है। यकीनन ही न दिल में कोई बात रखो, यकीनन ही दिल में न कोई बात रखो, मोहब्बत में भले ही कायनात रखो। यकीनन ही न दिल में कोई बात रखो, मोहब्बत में भले ही कायनात रखो, और गमों का अगर है दिल में गुबार सुनो, गमों का अगर दिल में गुबार सुनो, हंसी सा यार गुलशन खुद के साथ रखो। यकीनन ही दिल में कोई बात रखो। और मैं अभी अपनी ओज रचनाओं पे आता हूँ। मैं सरहद की ओर ले चलता हूँ आपको कि मैं सरहद के प्रहरी सैनिक हमारे किस हालात में रहते हैं और वो क्या बयां करते हैं। उनकी मानस से, उनकी तरफ से चार पंक्तियां देता हूँ कि उनका परिचय देता हूँ। अंगारों पर चलने वाले फूलों की है बात नहीं, अंगारों पर चलने वाले फूलों की है बात नहीं, हम भारत के प्रहरी हमको फूलों की सौगात नहीं, अंगारों पर चलने वाले फूलों की है बात नहीं, हम भारत के प्रहरी हमको फूलों की सौगात नहीं, और बर्फ जमे या जमे लहू हम सीमा पे तैनात रहें, बर्फ जमे या जमे लहू हम सीमा पे तैनात रहें, ले सियाचिन में मारे पर दुश्मन की औकात नहीं, ले सियाचिन में मारे पर दुश्मन की औकात नहीं, अंगारों पर चलने वाले फूलों की है बात नहीं। और इसी गोत्र का एक मुक्तक चार पंक्तियां और देता हूं। माँ का आह्वान हमारे जवानों के लिए, उठो जवानों हिंद वतन के माँ का कर्ज उतार दो, उठो जवानों हिंद वतन के माँ का कर्ज उतार दो, देश की सरहद पे जाके दुश्मन को ललकार दो, और खंड हुआ कश्मीर मुकुट तुम वापिस लाओगे, खंड हुआ कश्मीर मुकुट तुम वापिस लाओगे, करो आज प्रण भारत माता को अनुपम उपहार दो, करो आज प्रण भारत माता को अनुपम उपहार दो, उठो जवानों हिंद वतन के माँ का कर्ज उतार दो। और जब सीमा पे शांति कायम नहीं होती, दोनों तरफ से युद्ध के बादल मंडराए होते हैं, दुश्मन नापाक हरकतें करता है, तो हमारे देश के नौजवान युवा कहते हैं कि क्या करोगे तीर से तलवार से हथियार से, क्या करोगे तीर से तलवार से हथियार से, बात हो बम मिसाइल और हो अंगार से, और शांत की इन वार्ता से काम चल सकता नहीं, अब जवाबी जंग हो बस तोप की बौछार से, अब जवाबी जंग हो बस तोप की बौछार से, क्या करोगे तीर से तलवार से हथियार से। और चार पंक्तियां मैं पद रूप में देता हूं कि देखिएगा, छंद एक छंद देखते हैं कि अय मशक्ति हो प्रचंड जब प्रबल भुज दंड हो, मर आरती की रक्षा करने व्रत जब अखंड हो, अय मशक्ति हो प्रचंड जब प्रबल भुज दंड हो, मां भारती की रक्षा करने व्रत जब अखंड हो, कि करने को उते सर्ग अपने कदम बढ़े जब, शत्रु दल कांपे उसका धैर्य खंड खंड हो, शत्रु दल कांपे उसका धैर्य खंड खंड हो, चूर चूर कर दो ना पाक जो घमंड हो, चूर चूर कर दो ना पाक हो जो घमंड हो, धूल भी चटा दो वाले कितना प्रचंड हो, धूल भी चटा दो वाले कितना प्रचंड हो, मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए उत्सर्ग करना चाहिए, मातृभूमि के लिए उत्सर्ग करना चाहिए, हम करें बलिदान जिससे भारत अखंड हो, हम करें बलिदान जिससे भारत अखंड हो, हम करें बलिदान जिससे भारत अखंड हो, अय मशक्ति हो प्रचंड जब प्रबल भुज दंड हो, मां भारती की रक्षा करने व्रत जब अखंड हो, अय मशक्ति हो प्रचंड जब प्रबल भुज दंड हो। जय हिंद। मैं आराध्य तिवारी पीएम अपने दाएं सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कहानी कविता और राजनीति के नाम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे मन को जय रखेंगे संवाद।